नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सपना कुछ कहता है। हर सपने के शुभ या अशुभ मतलब हो सकते हैं। सपने आपको संकेत देते हैं जो कि आपको भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है के बारे में जानकारी देते हैं। अक्सर लोग सोचते होंगे कि सपने में मल देखना, लैटरिन देखना बहुत ही घिनौना स्वप्न होता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में लैट्रिन देखते हैं, मल खाते हुए खुद को देखते हैं, ऐसा सपना देखना बहुत ही शुभ प्रवृत्ति का सपना होता है। और आमतौर पर यह आपको संकेत देता है कि भविष्य में आपको कोई अच्छा शुभ समाचार मिलने वाला है, आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है अपने कैरियर में, अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार धंधे के अंदर, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। और सपने में यह जो आपको संकेत मिल रहे हैं मल देखने के, लैट्रिन देखने के, वास्तव में आगे आने वाले समय में धन प्राप्ति का योग बनवाएंगे। तो मल देखना बहुत ही शुभ प्रवृत्ति का स्वप्न होता है, चाहे आपको उठकर कितना भी बुरा लगे, लेकिन वास्तव में इसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों को यह सपना भी आ सकता है कि वो मल को खाते हुए खुद को देखते हैं, लैट्रिन को खाते हुए देखते होंगे, तो इसका अर्थ होता है कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता और धन की प्राप्ति होगी। ये तो जाहिर सी बात है, यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो धन की प्राप्ति होनी निश्चित हो जाती है, सफलता के साथ धन आता ही आता है। तो सपने में लैट्रिन देखना या लैट्रिन खाते हुए देखना खुद को, यह बुरा स्वप्न नहीं होता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुसार, जो हमारी जो इसके ऊपर रिसर्च है उसके अनुसार, ऐसा सपना देखना बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसे में आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंगल के लिए आप लक्ष्मी माता की पूजा करें ताकि आपको जल्द से जल्द धन प्राप्ति हो और आपके जीवन में आर्थिक मजबूती आए। इसके अलावा जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी पूजा अवश्य करें, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा ऐसा सपना देखने के बाद जरूर करें ताकि आपको आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बन जाए और जो आप करना चाहते हैं जीवन के अंदर, जो सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं वो आपको शीघ्र मिले। तो दोस्तों यह सपना वास्तव में बहुत शुभ है। तो ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको नई नई एस्ट्रोलॉजी और स्वप्न शास्त्र से जुड़ी जानकारियां हम देते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।